गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इवनिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और आज शाम आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। ओके व्यूअर्स, और हमारे साथ जो भी हमारे व्यूअर्स नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूँ कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं टर्निंग इन, द आउटसाइडर, वी आर द वर्ल्ड एंड एग्जॉशन, और साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट नंबर हैं 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। ओके व्यूअर्स, ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिल सकती है या फिर हो सकता है कि आपका पार्टनर अगर आपसे दूर है, एक नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आपके आपके पर्सन के साथ में बनी हुई है तो इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपका पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट कर ले, रिटर्न वापस आ जाए या फिर कुछ ना कुछ ऐसा तो इन डेट्स में, इन मंथ्स में ज़रूर होगा जो आपकी लाइफ को बदल सकता है और कुछ हैप्पीनेस और खुशी दे सकता है। तो यहाँ पर खुशी आती हुई नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्सन है, जिस पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो इंसान बहुत घुटन महसूस कर रहा है, एक आउटसाइडर की तरह जब इस रिलेशनशिप को देख रहा है तो उसकी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो वो रियलाइज़ कर पा रहा है और यही वो वजह है कि ये पर्सन रिटर्न वापस आ सकते हैं। और अगर बात करें कि कौन सी वो गलतियां हैं जो ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं तो सबसे पहली गलती तो इस पर्सन की यही है कि इस पर्सन की लाइफ में जो भी रिलेशन थे इस पर्सन ने आपसे छुपाए हैं और कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक ऐसा रिलेशन ज़रूर था जो आपके सामने आया है तो आपके तो जैसे कि होश ही उड़ गए हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन ने आपका विश्वास तोड़ा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आपके विश्वास को तोड़कर ये पर्सन भी अब बहुत ज़्यादा दुखी तो है क्योंकि ये पर्सन ऐसा चाहते नहीं थे कि इस पर्सन के जो भी छुपे हुए सीक्रेट्स हैं वो आपके सामने आए या फिर जो भी इस पर्सन ने आपसे छुपाकर रिलेशन बनाया हुआ था वो आपके सामने आए। अचानक से ही जब आपके सामने ये इस पर्सन के रिलेशन का जो सच है वो खुला है ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है और अब उस इंसान से भी इस पर्सन ने दूरी बना ली है जिसकी वजह से ये सच आप जान पाए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है और जो एक एटीट्यूड इस पर्सन का आपके साथ में ये रहा है पास्ट में, वो एटीट्यूड इस पर्सन का बदलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि इस पर्सन के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आप देख पाएंगे क्योंकि इस पर्सन को कभी भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी कि जो कुछ भी ये पर्सन छुप के आपसे कर रहे हैं वो कभी आपके सामने भी आ सकता है क्योंकि ये पर्सन अक्सर ही ऐसा करते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा कर रखते रहे हैं और बहुत सारे रिश्ते इस पर्सन के पास्ट में भी रहे हैं। बट यहाँ पर एक एक करके इस पर्सन ने उनसे तो दूरी बनाई है बट कोई एक ख़ास रिश्ता इस पर्सन की लाइफ में रह गया था तो जो आपको पता चला है इसकी वजह से आप दोनों के बीच फाइट्स हुई हैं। अब ये पर्सन आपसे दूर तो चला गया है बट बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहा है तो ये जो घुटन इस पर्सन में नज़र आ रही है वही इस पर्सन को इसकी गलतियाँ रियलाइज़ करा रही है। अब ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि अगर कुछ भी किसी से छुपाया जाए, यानी कि ख़ासकर एक रिश्ते में रहते हुए अगर अपने पर्सन से ही सारी बातें छुपाई जाएँ जो जानना ज़रूरी होती हैं उनको छुपाया जाए और किसी और के ज़रिए वो सच पता चले तो बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है और रिश्ता तो कहीं ना कहीं टूट ही जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, इस पर्सन ने आपसे दूरी भी खुद ही बनाई होगी ऐसा भी लग रहा है क्योंकि ये पर्सन का सच जानने के बाद आपने जिस तरह से रिएक्ट किया है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ गया है। इस पर्सन को इस तरह के आपके बिहेवियर का अंदाज़ा नहीं था कि आप इस तरह रिएक्ट करेंगे इस पर्सन की बातों पर, इस पर्सन को तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि आप इस पर्सन से नाराज़ भी हो सकते हैं। इस पर्सन ने कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, आपकी नाराज़गी के बारे में नहीं सोचा। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए तो इस वक्त ये पर्सन ये सोचते हुए नज़र भी आ रहे हैं। आज शाम इस पर्सन के बिहेवियर में जो
एक सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर देख पा रही हूँ वो है इस पर्सन के आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी आई है। पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ रिश्ते बनाते थे, इन्जॉय करते थे, और जब इस पर्सन को ऐसा लगता था कि बस अब बहुत हो गया इस रिश्ते में, तो ये पर्सन मूव ऑन भी कर जाते थे। बट एक आपके साथ में इस पर्सन का ऐसा रिश्ता था जो कभी भी टूटा नहीं था। ये पर्सन आपको साथ में लेकर चलना चाहते थे, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते थे, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म निभाना चाहते थे, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसके बारे में ये पर्सन सोच भी रहा है। तो जो आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो टूटा है ना इस पर्सन के साथ में, वो चीज़ इस पर्सन को काफ़ी दुख और तकलीफ़ दे रही है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपके साथ में तो इस पर्सन का इतना अच्छा रिश्ता था, इस पर्सन ने कभी भी आपके साथ में कुछ गलत नहीं किया, भले ही ये पर्सन किसी और के साथ में कुछ भी करते रहे हों, आप इस तरह रिएक्ट करेंगे ये चीज़ इस पर्सन को सही नहीं हुई है, और इसीलिए शायद ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं। एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आप दोनों इस वक्त बने हुए हैं, और जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है इस पर्सन के साथ में, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का ही कर्मा लौट फेर कर इस पर्सन के सामने आया है। ये जो दुख इस पर्सन को मिला है वो इसी वजह से मिला है, और इस पर्सन को इस बात का एहसास भी है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ में गलत तो किया है, बट ये पर्सन अपनी गलती को मान नहीं रहा है। एक आउटसाइडर की तरह इस रिश्ते को सिर्फ देखे जा रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कुछ प्लान भी कर रहा है कि क्या करना चाहिए। जब तक ये पर्सन पूरी तरह से प्लान नहीं बना लेते कि इस पर्सन को अब क्या करना है, क्या जिस तरह से इस पर्सन ने पास के रिश्ते खोए हैं उसी तरह से ये पर्सन आपको भी खो देगा, इसी सोच विचार में आज शाम ये पर्सन लगा हुआ है। आपके बारे में बिना सोचे तो ये पर्सन रह ही नहीं सकता, क्योंकि आपका इनका रिश्ता बहुत ही अटूट रहा है और काफ़ी क्लोज रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के दिल के। तो ये जो दिल से दिल का कनेक्शन है ना, इस पर्सन के लिए भी तोड़ना इतना आसान नहीं था, फिर भी इस पर्सन की ईगो, इस पर्सन की अना इस पर्सन के सामने आ गई है, इसीलिए ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं। बट दुखी बहुत ज़्यादा हैं, आज शाम भी ये दुख इस पर्सन के दिल में दिमाग में नज़र आ रहा है। ये पर्सन देख रहे ना आप ही के ख्यालों में खोया हुआ है, आपके सिवा ये पर्सन किसी और के बारे में फ़िलहाल तो सोचना नहीं चाहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि आज शाम तो सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है। बट हाँ, इस पर्सन का जिस तरह का बिहेवियर है आपके साथ में, या फिर इस पर्सन के जो रिश्ते रहे हैं, कब तक ये पर्सन उनसे दूरी बनाकर रखेगा, कभी ना कभी तो ये पर्सन अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेगा ही किसी और के साथ में, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि ये पर्सन ना आपके इनके रिश्ते को लेकर काफ़ी नेगेटिव हो चुका है, इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि ये रिश्ता जब एक बार टूट चुका है, इस रिश्ते में फिर से ट्रस्ट बन पाना बहुत मुश्किल है, यानी कि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और ये चीज़ ये पर्सन सह नहीं पाएगा कि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन अब कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अटक कर रह जाएंगे, ये चीज़ इस पर्सन को आपके करीब आने से, आपसे मिलने से, आपसे बात करने से रोक रही है, आपको कॉन्टैक्ट करने से रोक रही है, और यही वह वजह है कि इतनी सोच विचार करने के बावजूद, आपको मिस करने के बावजूद ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, और मिस ज़रूर कर रहा है आपको, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।